10 जनवरी 1953 को जन्मे निसार अहमद का जन्म ही संगीत के माहौल में हुआ। बड़े हुए तो इस शख्स ने अपने पिता उस्ताद काली खान साहिब और चाचा मोहम्मद शफी खान साहिब से संगीत और उसकी स्वर लहरियों की कैखे सीखी। पिता और चाचा से मिले संगीत ज्ञान का असर यह रहा कि निसार अहमद कम उम्र में ही रेडियो श्रोताओं की पसंद बन गए, और यह सब कुछ हुआ रेडियो पर दिए गए उनके कार्यक्रमों के कारण। जितने हिंदुस्तान के आज दिग्गज कलाकार हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से ही जुड़े और उनका जब भी नाम हुआ, क्योंकि हर जगह जाके तो नहीं बजा सकता आदमी। दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम हो रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है कि रविशंकर जी बजा। रविशंकर जी ने भी ये कहा कि ऑल इंडिया रेडियो ही एक कलाकार के लिए उसकी ख्याति का क्या कहना चाहिए माध्यम। तो वो माध्यम हम लोगों को भी मिला और उसी से मेरी एक पहचान ये बनी कि मैं रेडियो से बजा रहा हूँ। रेडियो कार्यक्रमों से मिली यही प्रसिद्धि निसार अहमद का तब कैरियर बन गई जब उन्हें तबला वादक के रूप में आकाशवाणी केंद्र छतरपुर में नौकरी मिल गई। बकौल निसार अहमद, संगीत की इस सेवा के पीछे यह प्रेरणा उन्हें देश के जाने माने कलाकारों से तो मिली ही, पारिवारिक माहौल का भी बड़ा असर रहा। विरासत में मिला गाना बजाना और मेरे खून में गाना बजाना, तो मुझे गाना बजाना ही पसंद आया। तबला मैंने मेरे फादर बहुत अच्छा बजाते थे, उस्ताद काले खान साहब, तो उनसे और बड़े ताऊ मेरे मोहम्मद शफी खान, उनसे मैंने तबले की शिक्षा प्राप्त की और तबले का मुझे शौक रहा बचपन से। देश की जानी मानी हस्तियों के साथ संगत कर चुके निसार अहमद की यादों में एक नहीं अनेकों ऐसे अनुभव बसे हैं जिसे वे याद किए बिना नहीं रहते। अमजद अली खान साहब के संग पूरे ऑर्केस्ट्रा में मैं अकेला बजाया था, तो वो प्रोग्राम बड़ा मेरे को आज भी याद आता है। ऐसे पंडित विश्वमोहन भट्ट और रोनू मजुमदार और तरुण भट्टाचार्य, एक बार हम जयपुर में बजाए थे, तो ये तीन लोग थे और मैं अकेला था। तीन के संग अकेले को बजाने में हालांकि बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मुझे उस दिन इतना मज़ा आया। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कैलिफोर्निया, शिकागो, अटलांटा और पेंसिल्वेनिया ही नहीं, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा और ओमान जैसे कई देशों की यात्रा कर अपने तबले की धाक जमा चुके निसार अहमद ने 1995 में गिटार वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट के साथ दुबई में भी संगीत के कार्यक्रम दिए। वहाँ तो वो लोग इतने लड़ाई रहते हैं क्लासिकल सुनने के अगर एक प्रोग्राम कोई क्लासिकल का, हमारे तो बीच में बोल भी जाते हैं थोड़ा बहुत आपस में, वहाँ बिल्कुल कोई बात नहीं करता है और इतना आनंद लेकर सुनते हैं। तबला तो इतनी अच्छी तरह सुनते हैं, गाना तो इतनी अच्छी तरह, सितार वादन तो इतनी अच्छी तरह, सारा म्यूजिक जो भारत का है उसका इतना मज़ा लेते हैं वो लोग कि बस एकदम मोहित हो जाते हैं सुन करके। निसार अहमद को कई बड़े समारोह के आमंत्रण भी मिले हैं तो कई पुरस्कार भी उनके हिस्से में आए हैं। पुरस्कार तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है मेरा वो पब्लिक के सामने ऐसा होना चाहिए कि हमेशा उसमें इज्जत बनी रहे। जब भी प्रोग्राम ख़त्म हो तो लोग कहें कि क्या बात है, और पुरस्कार तो एक बार मिल के रह जाता है वो तो मैं टाक देता हूँ कि ये फला जगह से मिला था। अगर प्रोग्राम खुदा ना करे अच्छा नहीं हुआ तो उस पुरस्कार को देख के मुझे क्या करना है, तो इसलिए मैं ये अहमियत करता हूँ। मैं जहाँ तबला बजाऊँ, भाई दिवे मैं तबला बजा रहा हूँ और जाकिर भाई आ जाए वहाँ, और जाकिर भाई ने अगर ये कह दिया बीच में उठ के एक बार मेरे से कि क्या बात है निसार भाई, या किसी अच्छे तबला वादक ने मुझसे ये कह दिया कि क्या बात है खासा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही है। अपनी सदी हुई उंगुलियों से कर्णप्रिय संगीत को तबले से साकार करने वाले इस शख्स का मकसद भी यही है, संगीत की सेवा, संगीत की साधना, क्योंकि निसार अहमद के लिए संगीत ही जीवन है।